भारतीय संस्कृति सम्मान की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सम्मान देना जानती है और सम्मान लेना जानती है। भारत की संस्कृति को उठाकर देखें हमारी प्रारंभ से, तो भारत ने विश्व के किसी भी देश पर चलाकर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने भारत पर आक्रमण किया है, चाहे वो मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, शक हूण आदि आदि कई जातियों ने हमारे पर आक्रमण किया है, तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। यानी हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति किसी को कष्ट देने की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति मानवतावादी संस्कृति है, अहिंसावादी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। भारत की ऐसी संस्कृति है जो अतिथि को देव का रूप मानता है। देव वह होता है जो गुणों का सागर होता है, जिसके अंदर अच्छाइयां ही होती है, सारी बुराइयां नहीं होती है। और अतिथि किसे कहा जाता है? अतिथि ऐसा व्यक्ति हो जाता होता है जो कि हमारे घर पर, हमारे प्रतिष्ठान के ऊपर जो है, चाहे परिचित हो और अपरिचित हो, वो आता है, हमारे से कोई सहयोग चाहता है, तो हम उसको देव का रूप मानते हैं और उसको सम्मान देते हैं। हमारी संस्कृति गिव एंड टेक की है। जब सम्मान दिया जाता है तो सम्मान निश्चित रूप से मिलता है, और अतिथि ने जब हमारे यहाँ संपर्क कर लिया तो हम दिमाग के अंदर बड़ी प्रसन्नता के साथ में ये प्लानिंग करते हैं कि जो महानुभाव हमारे घर पर आए हैं, वो खाने से, चाय से, पीने से, जो उनका रेस्ट करने से, और जो वो सहयोग चाहते हैं हमारे से, वो किसी भी तरीके से हमारे से असंतुष्ट होकर के नहीं जाए और हमारे यहाँ से एक ऐसा अच्छा अनुभव लेकर के जाए, चाहे विदेश का व्यक्ति हो, चाहे अन्य प्रांत का व्यक्ति हो, वो हमारा एक ऐसा अनुभव लेकर के जाए कि इन्होंने हमारी बहुत सार संभाल की, इन्होंने हमें बहुत रेस्पेक्ट दिया और हर तरीके से हमारा काम करने का प्रयास किया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अतिथि हमारी संस्कृति ये है, हम खिलाकर राजी होते हैं, खाकर राजी नहीं होते हैं। हम ये चिंतन करते हैं कि कब अतिथि हमारे घर में आवे और हमारे घर का अन्न है, पान है, वो ग्रहण करे, और हम इसलिए निमंत्रण देते हैं लोगों को कि आप घर पे आइए, ताकि कि हम आपकी जो है वो आवाभगत कर सके। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मैं राजस्थान की बात बताना चाहता हूँ। राजस्थान प्रांत जो भारत का एक हिस्सा है, ये अपनायत के लिए फेमस है, ये शालीनता के लिए फेमस है, ये सत्कार के लिए फेमस है। आज भी जो हमारा डेजर्ट एरिया है, जो जैसलमेर और बाड़मेर जिला है, जहाँ पर आज भी जो उस डेजर्ट जिले के अंदर खाने पीने के साधन प्रचुर मात्रा में नहीं है, वहाँ पर ढाणियाँ हैं, रिमोट एरिया है, और बाई दी वे कोई व्यक्ति शाम के समय वहाँ चला गया और रात्रि हो गई, रुकने को होटल नहीं है, तो किसी भी झोंपड़ी वाले के पास में जाएगा, तो अगर अनजान भी है तो वो उसको नमस्कार कहेगा और वो निमंत्रण देगा कि आइए आप मेरे घर के अंदर जो हमारा भोजन कीजिए, जिसको व्याड़ू कहा जाता है, और उनको सोने के लिए जैसा जैसा समय होगा, सी ओढ़न बोला जाता है, अगर मान लो सर्दी का समय है तो ओढ़ने के लिए चारपाई वगैरह पूरा उनका बंदोबस्त करते हैं, और उसके अंदर बड़ी खुशी का अनुभव करते हैं। और प्रातः वो गेस्ट जब उठता है, अतिथि, तो उसको नाश्ता पानी करा करके उसे पूछते हैं कि आपका क्या कार्य, और होते जितनी मदद करते हैं, ये हमारे यहाँ आम है, और इसमें लोग प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, क्योंकि हमारे रग रग के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे पूर्वजों ने ये संस्कार भर दिए हैं कि जो कोई भी गेस्ट, जो कोई भी अतिथि घर में आए, उसकी पूरी सार संभाल करो, उसका पूरा उसको अटेंड करो, उसको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोरेंस की हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति है कोऑपरेशन की संस्कृति है, और त्याग की संस्कृति है। हम
हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत केंद्रीय सिस्टम बन गया है। कोई भी आयोजन किया जाता है, छोटा आयोजन हो, मोटा आयोजन हो, विश्वविद्यालय का हो, यूनिवर्सिटियों का हो, जीओ का हो, एनजीओ का हो, पंचायत का हो, किसी भी तरह का आयोजन होता है तो अतिथि देवो भव का सबसे पहले ध्यान किया जाता है और जो निमंत्रित अतिथि होते हैं उनका स्वागत किया जाता है। उनका स्वागत निश्चित रूप से किया जाता है, जैसी जैसी परंपरा होती है वहाँ की, शाल ओढ़ाकर, साफा पहनाकर, मोमेंटो देकर, माला पहनाकर। इससे हर, देखिए, हर व्यक्ति, व्यक्ति ही नहीं, इस चराचर जगत का हर प्राणी जो है सम्मान चाहता है।